हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे हो गए। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके क्रश की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। एकदम हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखें। थीटा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके लिए नहीं होती। जो रिजल्ट होता है उसे रखें, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। और यस, अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हो आपके क्रश के एक्शन का, आपको एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पर देगा नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। और क्रश वो होते हैं जिनको आप पसंद करते हो और उनको पता होता है कि आप उनको पसंद करते हो, ठीक है। जैसे कि दूर से, मतलब वो आपको जानते हैं कि ऐसी कोई पर्सनालिटी है जो मुझे, मतलब मुझ में इंटरेस्टेड है, ऐसी कुछ उनको खबर होती है, ठीक है। अगर वो आपको जानते ही नहीं तो उनकी फीलिंग्स आपको कैसे समझ में आएगी, ठीक है। तो यही है, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज देख लेते हैं, ठीक है। आपके एनर्जीज के लिए 3 कार्ड। यस, आप दिल से इस रिश्ते में जो कि रीयूनियन चाहते हो और आप अपने क्रश से शादी करना चाहते हो, ठीक है। और देख लेते हैं, आपको जैसे कि बहुत ज़्यादा थका हारा महसूस हो रहा है, एफर्ट्स डाल के आप परेशान हो चुके हो, और जो कि आपको फील हो रहा है कि आपके इस क्रश में आपके इस क्रश की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है और जो कि वो उनमें इंटरेस्टेड है, आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। आप अपने क्रश को जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह से समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और अपनी ज़िंदगी में जी रहा है, इस तरह से हैं आपको, जो कि रात रात भर नींद नहीं आती है इनके बारे में सोच सोच के, जो कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और जो कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा है, आप किसी के भी ऊपर अपना गुस्सा निकालने लगे हो, ठीक है। और जो कि आपको सरदर्द भी रहने लगा है अब, तो ये आपकी फीलिंग्स है। यहाँ पे स्ट्रांगली साइंस है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, नंबर है 10-5-9, आपके आपके क्रश के बर्थ डेट में हो सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं आपके क्रश की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए। गर्तरी इंडियर्स, इनके क्रश की इस वक्त की फीलिंग्स बताएं हमें, इनके क्रश इस वक्त इनके लिए क्या सोच रहे हैं। तो आपके क्रश इस वक्त सोच रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपको बड़ा वाला ऑफर देना चाहते हैं वो, आपकी जो कि आपकी इच्छा है, आपकी जो इच्छा है शादी की, रीयूनियन की, वो कंप्लीट करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहे हैं, चांसेस बनते हैं इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज आने के, ठीक है। 8 घंटों में आ सकता है या 8 दिन में आ सकता है, लेकिन इनकी तरफ से आपको ऑफर डेफिनेटली आ सकता है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके क्रश इस वक्त आपके लिए। अगर इन्होंने आपसे पास में मूव ऑन किया था ना, मतलब कि अगर आपको रिजेक्ट किया था, आपको कुछ भला बुरा बोला था, तो वो जो है बात इनको बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप जो हो कि इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको वो दिल से अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं आपके क्रश की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए। यस, यहाँ पे डेफिनेटली कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है जो कि आपको लग रहा था, जैसे कि आपको लगता है कि आपके क्रश की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो डेफिनेटली है आपके क्रश मैरिड हो सकते हैं। द हेरोफंट का कार्ड शो करता है कि एक मैरिड पर्सन है, ठीक है, मैरिड है, और जो कि इस तरह से है कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, ठीक है। ये मतलब आपको लाइक भी दिल से करते हैं, आपके साथ रिश्ता भी दिल से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है, इनसे बचना चाहते हैं। आप देख सकते हो, आप इन कार्ड्स को अगर ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंसान किस तरह से गॉड को प्रे कर रहा है कि गॉड मुझे मेरी ज़िंदगी बख्श दे, मुझे खुशियाँ चाहिए, मैं तकलीफ़ में इस तरह से तकलीफ़ झेल झेल के परेशान हो चुका हूँ, मुझे ये ज़िंदगी मेरी अच्छी नहीं लग रही, ये सेटिस्फाइड नहीं है अपनी रोमांटिक लाइफ, ये सेटिस्फाइड नहीं है अपनी मैरिड लाइफ में, ठीक है। ये जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, इसे बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर आपको पता है कि आपके क्रश मैरिड नहीं है, यहाँ पे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, तो डेफिनेटली इनकी कहीं पे शादी फिक्स हो रही है, इनके घर वाले इनके लिए शादी के लिए लड़का लड़की देख रहे हैं, और जो कि इससे भी परेशान है वो, ठीक है, शादी नहीं करना चाहते दिल से, क्योंकि दिल से आपको पसंद करते हैं। यहाँ पे टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी आ चुके हैं, ठीक है, आपके आपके क्रश की साइन हो सकती है। और देख लेते हैं आपके क्रश इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके लिए।
यस आपको ऑफर करने के बारे में सोच रहे, एरिज लियो सजिटेरियस भी साइन आ चुका है यहाँ पे, आपको ऑफर करना चाहते, आपको अपने प्यार का मतलब कि बताना चाहते, खुद होके आगे आके मैसेज करना चाहते, जैसे कि स्टार्टिंग का कार्ड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, कम्युनिकेशन आपको इनका रिसीव होने वाला है 8 दिन या 8 घंटों में, जो लकी लोग हैं बहुत ज़्यादा जल्दी 8 मिनट में भी आपको कॉल मैसेज आ सकता है। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकल के आई है, ठीक है, आपके क्रश बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए। यस देखिए फैमिली बर्डन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है और इसीलिए मिसिंग एनर्जी, देखो इतना मिस करते आपको लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लेते, लेकिन अब जो है कि ये बर्डन झेल झेल के थक चुके हो, जो कि इनको जो है आपको हर्ट करने का बहुत ज़्यादा बोझ अब महसूस होने लगा है, तो इस बोझ से वो बचना चाहते, इस बोझ को उतार के फेंक देना चाहते हैं, इसलिए वो आपको खुद होके ऑफर करना चाहते हैं। ये मिसिंग एनर्जीज है, वही अपनी लाइफ में कंप्लीट है, लेकिन जो कि प्यार की कमी है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, और ये प्यार की कमी सिर्फ आप कंप्लीट कर सकते हो, ये थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में जो भी है उस थर्ड पार्टी को वो छोड़ेंगे नहीं कभी भी, ठीक है। अगर ये शादीशुदा है तो अपने वाइफ को नहीं छोड़ेंगे, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ेंगे, और अगर ये शादीशुदा नहीं है तो ये अपने फैमिली के मर्जी के खिलाफ जाके आपसे शादी नहीं करेंगे, लेकिन इनका कंप्लीट फोकस आप ही के ऊपर है, ये आपको दिल से लाइक करते हैं। अब ये रिश्ता कैसे स्टार्ट होना है यूनिवर्स को पता, लेकिन यस डेफिनेटली आप कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है, ठीक है। आपको वक्त के साथ कुछ आपको जो है वक्त के साथ धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन के आंसर्स जो है मिलने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब कुछ भी समझ में नहीं आता है तो सरेंडर कर देना बेस्ट होता है, सरेंडर करने से जो कि हमें रास्ते भी मिल जाते हैं और सही टाइम पे जो है कि हमारे साथ जस्टिस भी हो जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं आपकी क्रश की तरफ से इस वक्त आपके लिए क्या मैसेज है, गाइड कर यूनिवर्स इनकी क्रश की तरफ से हमें मैसेज दे, इस वक्त इनके क्रश इनसे क्या बात करना चाहते हैं, इस वक्त आपके क्रश आपसे क्या बात करना चाहते हैं। यस वो बता रहा यस वो आपको बता रहे हैं कि वो दिल से आपके पास आने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, सोच समझ के वो आपके पास आएंगे, और जो कि इनकी तरफ से आपको ऑफर भी रिसीव होने वाला है, वो आपको बता रहे हैं कि वो दिल से आपको एकदम पैशनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, और इनको जो है कि अपनी सारी खुशियाँ सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ दिखती है, ये इनकी तरफ से मैसेज है आपके लिए, ठीक है। हम देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है, गाइड करिए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या मैसेज है। यस आपको जो है कि आपने जो इनकी तरफ जो पीट करके रखी है ना, आप जो है मतलब कि ज़रा रूढ़ बन गए हो, तो आपको ज़रा अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर आपके क्रश को लेके लाना है, ठीक है। हो सकता है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, इन्होंने जो भी आपके साथ किया है, तो गुस्सा साइड में रख दो और ज़रा सॉफ्ट कॉर्नर फिर से सॉफ्ट कॉर्नर अपने दिल में फिर से लेकर आओ, टीनियर सबको ये बता रहे हैं, ठीक है। बॉटम में यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स, हो सकता है कि आपके क्रश को ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपनी तरफ से जो एक्शन ले रहा हूँ, तो एक्शन के बाद जो है आप झगड़ा करने वाले हो उनसे, इस तरह से इनकी फीलिंग्स है इस वक्त की, ठीक है। अगर रीडिंग रेजोनेट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।